तो हेलो हेलो, कैसे दोस्तों, आप लोग देखो नया वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो भाई देखो, इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे यूनिक एनिमल्स का मॉडल लेकर आऊँ, ठीक है। जैसे कि देखो, अब यार पेंगुइन्स तो यूनिक नहीं है, लेकिन भाई इसके जो एनिमेशन है ना वो यूनिक है, ठीक है। अब भाई देखो यार, मैं यहाँ पे पेंगुइन को स्पॉन करता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन को स्पॉन करता हूँ, ठीक है, तो देखना इनमें से जो कुछ है ना, ये देख रहे हो ऐसा कुछ सो भी जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो ऐसा कुछ सो के भी ऐसा कुछ, मतलब आप तो जानते हो कि ये जो पेंगुइन होते हैं वो स्नो में रहते हैं, ठीक है। तो भाई स्नो में वो नीचे ऐसे सो कर भी ऐसा कुछ स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ये कुछ कर सकते हैं। अब भाई देखो, अब इसका अलग फीचर क्या है कि देखो, आपने जितने बहुत सारे पेंगुइन देखे होंगे ना भाई, तो उसको यार सी के अंदर स्विम करते हुए नहीं देखा हो, लेकिन भाई ये वाला जो पेंगुइन है ना, ये भाई सी के अंदर भी स्विम करता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे पेंगुइन को छोड़ दिया ना, तो ये देख रहे हो ऐसा कुछ, ये पेंगुइन स्विम भी करेगा। अगर देखो ये ऊपर से खुला रहता है ना, अगर यहाँ पे स्नो नहीं होता ना, तो ये स्विम करता भी और ऊपर जाके ऐसा कुछ, इसके ऊपर भी जाके ऐसा कुछ बैठ जाता, ठीक है। तो इस तरह से पेंगुइन काम करता है यहाँ पे। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे भी छोड़ता ना, और मान लो कि यहाँ से इसका कोई कहीं से चढ़ने का रास्ता होता ना, तो ये ऊपर चढ़ के भी आ जाता, ठीक है। ये देखा भाई आप लोग, तो यहाँ से ऐसा कुछ चढ़ के भी आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि अगर इसका मन होगा ना, तो ये पानी के नीचे भी चला जाएगा, और जब इसका मन होगा ना, तब ये ऊपर को भी ऐसा कुछ चलेगा और ऐसा कुछ तैरेगा भी, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा चीज है ना, वो यार वेल है। अब भाई जानते हो कि भाई आर्टिक में भाई जो ऑर्का वेल्स पाए जाते हैं ना, वो भाई इसके दुश्मन होते हैं, मतलब इसको मारकर खा जाते हैं पेंगुइन को। तो ये वाला मोड भी सेम ऐसा नहीं है। मान लो कि यहाँ पे मैं अगर ये पेंगुइन स्पॉन करता हूँ ना, और ये ऑर्का को अगर मैं स्पॉन करता हूँ ना, तो ये ऐसा कुछ इसको मार देंगे, ठीक है। मतलब अभी तो खाने का एनिमेशन नहीं है, लेकिन ये इसको मार देंगे। अब भाई देखो, ये जो ऑर्का वेल है ना, या फिर जितने भी इसमें मोड देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक वर्ल्ड में स्पॉन होंगे। लेकिन भाई आप तो जानते हो कि भाई ये वेल है, ठीक है। तो और ये वाला जो है यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये रिवर है, ठीक है। तो भाई रिवर में ऑर्का वेल के लिए भाई जगह कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। देख ही रहे हो भाई कि जगह इसके लिए कितना ज्यादा कम है। तो भाई ये जो ऑर्का वाला वेल है ना, ये ज्यादातर सी में पाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे खुला पानी होगा ना, वहाँ पे ये पाया जाता है। वैसे तो यार पेंगुइन वगैरह देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो ऑर्का है ना, वो सी में पाया जाएगा। तो अब अगले मोड की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगला वाला मोड है ना, वो यार वॉलरस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ स्पॉन करता हूँ, तो ये देखो ऐसा कुछ घिसक घिसक कर चलेगा। तो देखो अगर मैं इसको मारूंगा ना, तो देख लो इसका एनिमेशन कितना ज्यादा बढ़िया ऐसा कुछ चलेगा। अब ये ज्यादातर ना आपके वर्ल्ड में ऐसा कुछ ग्रुप में स्पॉन होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ चलते रहेंगे। और देखो जब इनको नींद आएगा ना, तो ऐसा कुछ यहीं पे सो भी जाएंगे, ठीक है। तो भाई देख लो कितना ज्यादा क्यूट, और बर्फ के कारण ये फिसल भी रहे, देख लो आप लोग। तो ऐसा कुछ, तो मतलब जब इनका मन होगा तो ऐसा कुछ बर्फ पे चलेंगे, और मन होगा तो फिर ये लोग कभी कभार यहाँ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको अगला वाला चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये है आर्टिक बियर, ठीक है। अब भाई देखो इसके बियर को ना आप इन पे मतलब बैरल रख के इसको यूज भी कर सकते हो, लेकिन यूज करने से पहले ना सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा कि इसका भाई कोई आपको बेबी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो बड़ा वाला है ना, इसको आप टेम नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोई बेबी ढूंढना होगा, ठीक है। उसको ही आपको टेम करना होगा कोई भी मीट से, ठीक है। जैसे कि सैलमन वगैरह हो गए, कोई भी फिश फिश हो गया, कोई भी मीट वीट हो गया ना, तो उससे आपको इसको टेम करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो बेबी होता है उसको इसको टेम करेगा तो नहीं। और उस पर आप इजली से सैडल रख सकते हो, और उस पर चेस्ट भी लगा सकते हो, और कुछ उसमें सामान रख के भी आप दूर कहीं पे जा भी सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको अगला वाला चीज दिखाता हूँ। अब देखो अगला वाला ये जो चीज है ना, ये लेमिंग है। अब देखो आर्टिक में ना, ये ऐसा कुछ रैट का ही एक प्रजाति है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये देख रहे हो ना, लेमिंग, इसका नाम लेमिंग होता है। तो ऐसा कुछ वहां पे जैसे रैट्स वगैरह गर्मी इलाके पे रहते हैं ना, वैसे ही लेमिंग्स वहाँ आर्टिक में रहता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड होता है, तो वहां पे ये वाला पाया जाता है ऐसा कुछ। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ठीक है। अब जो मैं अगला वाला चीज आपको दिखाने वाला हूँ, वो है सील। अब यार सील तो आपने मेरे पहले वाले मोड में देखा होगा, मैंने इस वाले चैनल पर डाल रखा है। तो ऐसा कुछ ये देख रहे हो सील, इसका भी चले वालेंगे सब। अब देख रहे हो मान लो कि इसके ऊपर ही हारे, तो देख रहे हो मतलब इसका जो एनिमेशन है ना, वो कितना तेज हो गया। मतलब अगर इसको खतरा महसूस होगा ना, तो ये बहुत ज्यादा तेज चलने लगेगा। तो ऐसा कुछ ये वाला, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं एक सेकंड ट्राई करता हूँ, ये पानी में भी चलता है या फिर नहीं चलता, उसका एनिमेशन दिया हुआ है या फिर नहीं। एक सेकंड, चलो मैं पानी में आ गया, इसको स्पॉन करता हूँ। ओके, तो ये देख रहे हो ये पानी में भी चलेंगे, ठीक है। पहले वाला जो मैंने आपको मोड बताया था ना, वो पानी में नहीं तैरते थे, लेकिन ये वाला जो सील है ना, ये देख रहे हो ऐसा कुछ पानी में भी तैरेंगे। मतलब पानी में तैरते तैरते अगर इनको ऊपर किनारा मिल गया ना, तब ये ऊपर चढ़ भी जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये पानी में भी तैरेंगे, ऊपर भी तैरेंगे। अब एक सेकंड मैं वॉलरस को भी देख लेता हूँ। वॉलरस है, ओके, वॉलरस भी पानी में तैर रहा है, देख रहे हो। मतलब ये आर्टिक का ही प्रॉपरली मॉड है, तो इसमें जितने भी एनिमल्स हैं मेरे हिसाब से, वो शायद से पानी में भी तैरते हैं, क्योंकि भाई आर्टिक में तो पानी और बर्फ दोनों होता है, ठीक है। इस कारण से भाई ये जितने भी इसमें जो मॉड्स है ना, अधिकतर वो पानी में चलेंगे। शायद से मैंने जो आपको लेमिंग दिखा ना, वो शायद से नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब देखो मैं अगला वाला चीज है ना, वो मैं आपको येती दिखाने वाला हूँ। अब ये जो येती है ना, ये ज्यादातर माउंटेन के पीक पर पाए जाते हैं। अब भाई इसको यार मारना मतलब एकदम से जैसे आप वार्डन को मार रहे हो ना, वही वाला सवाल हो जाता है। तो भाई इसको तो नहीं मारो तो नहीं ज्यादा, ठीक है। अब ये मैंने दूसरा चीज ऐड कर दिया था, तो ऐसा कुछ किया, देखो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो भाई ये ना कोई भी जानवर को मार सकता है, मतलब ये एक तरह से आप इसको वार्डन कहीं लेवल का मान सकते हो। अब यहाँ पे बियर को देख रहे हो ना, ऐसा कुछ खाना ढूंढ रहा है, ठीक है। मान लो कि अगर इसके नीचे कुछ इसको खाना वाना मिल गया ना, तो यही चीजें ढूंढ रहा है। पता नहीं मेरे को ये क्या चीज ढूंढ रहा है, ये मेरे को नहीं मालूम, शायद से इसको कुछ दिख भी गया। तो भाई इस वाले मोड में ना बहुत सारे एनिमेशन है, ठीक है। एनिमेशन का इसमें कमी नहीं है। आप यार एनिमल्स को देखते रहोगे ना, तो भाई वो अलग अलग एनिमेशन अलग अलग टाइम पे करते रहेंगे। अब भाई देखो जो अगला वाला है ना, वो किंग क्रैब है, ठीक है। अब जो ये किंग क्रैब है ना, वो ज्यादातर पानी में आपको पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ जब नीचे में जाओगे ना, तो ज्यादातर पानी में ही पाया जाएगा। अब देखो इसके जो बेबीज होते हैं ना, उनको आप एक बकेट में करके, मतलब खाली जो बकेट
बकेट होता है ना उसको मैं करके आप इसको उठा कर ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एक किंग क्रैब है ना उसको आप नहीं ले जा सकते, मतलब इसको आप मार मार कर इसको पका कर खा सकते हो, लेकिन ऐसे नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं आप इनको आकर पकड़ना पड़ेगा पानी के अंदर से। तो ऐसा कुछ है ये वाला। तुम्हारे इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला वाला जो इसका जो बचा हुआ मॉड्स है ना वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और जो अगला वाला वीडियो का लिंक है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर पार्ट टू पे क्लिक करके दूसरे वीडियो में जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यहीं से पसंद आ जाए कि आपको वाला मॉड अच्छा लगा तो भाई मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई लोग वीडियो चाहते हैं भाई लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब करना भाई लोग। तो मिलते हैं नए वीडियो में।